यमुनानगर के कस्बा साडोरा के गांव लाहटपुर में मामूली कहासुनी के चलते दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में साडोरा से लेकर जगाधरी सिविल और बाद में उनसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन यहां डॉक्टर की ऐसी लापरवाही रही कि डॉक्टर तो मौज मस्ती करते रहे लेकिन मरीज का खून बहता रहा। आखिरकार परिजनों ने निजी डॉक्टर से ही मरीज के टांके तो लगवा दिए लेकिन उसकी जान नहीं बचा सके, जिसके बाद अब मामला पुलिस की चौखट पर है और सीएमओ साहब कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। मामूली कहासुनी के चलते दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखो, सीधे तौर पे डॉक्टर की नेग्लिजेंस या उसकी वजह से कोई वो आए ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके परिजनों ने जरूर मुझे शिकायत दी है कि ऐसे ऐसे करके थोड़े, और स्टाफ से भी मैंने बुलाकर पूछा है, उन्होंने कहा है कि वो समय समय पर मरीज को देखते रहे हैं। फिर भी क्योंकि मेरे पास शिकायत लिखित में मैंने उनको कहा है, लिखित में मेरे पास शिकायत दे रहे हैं, तो तीन डॉक्टर की जांच कमेटी से इसकी जांच कराई जाएगी और अगर डॉक्टर की लापरवाही होगी तो या स्टाफ की लापरवाही होगी तो एज पर प्रोसीजर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, जिस पर बताया जा रहा है कि उसके मेजर चोटें भी और नहीं, मुझे जो मैंने सुबह डॉक्टर से बुला के पूछा, डॉक्टर ने ड्यूटी से बात भी हुई है उन्होंने, और स्टाफ से भी मैंने बुला के पूछा है कि उन्होंने उसको ट्रीटमेंट दी है, ग्लूकोज भी पेशेंट को लगा हुआ था और उसके अटेंडेंट भी लगभग 5-6 बजे तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अचानक से मेजर कोई अगर कोई वेसल ब्लीड हुई है, जिस तरह से बता रहे हैं कोई मेजर वेसल ब्लीड हुई जिसकी वजह से दिक्कत हुई है, फिर भी क्योंकि हमने इसकी जांच की समिति नियुक्त करनी है, जैसी वो हमें लिख के देते हैं मैं तीन डॉक्टर की, और जो भी इसमें कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। स्टिचिंग बाहर के डॉक्टर ने की है उसकी? नहीं, स्टिचिंग तो यहीं के डॉक्टर ने की। एक प्राइवेट डॉक्टर को बुला गया और उसमें वो उसकी नहीं, ये इस बार इस तरीके की कोई सूचना मेरे पास उन्होंने कहा इस तरीके की कोई सूचना मेरे पास नहीं है, जो मुझे बताया गया मैंने आपको बता दिया और इसके बारे में जो भी हमारी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट होगी वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। 2 दिन पहले बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ था गाँव लाड़पुर में, एक पक्ष था सैनी का एक था हरिजन, तो उनका फिर गाँव में बैठ कर फैसला भी हुआ था अपने लेवल पे। कल फिर एक पक्ष ने, सैनी पक्ष ने, एक श्रवण था एक उसका लड़का था दिनेश, वो कपड़े काम से आ रहे थे तो रात को उसको काफ़ी चोटें मारी, तो एक लड़का तो सिविल हॉस्पिटल जगाधरी एडमिट है उसका, एक उसको श्रवण कुमार को यहाँ ले गए आए थे, तो यहाँ ड्यूरिंग उसकी ट्रीटमेंट उसकी डेथ होगी, तो आ जाइए हम मौके पर, अभी बयान दे रहे हैं और उसका FIR लॉज करेंगे। नहीं, मेरे लेवल पे तो मेरे सामने कोई ऐसी बातें नहीं रखी उन्होंने, वो अपने लेवल पे यदि वो किसी डॉक्टर का करेंगे तो उसका भी देख लेंगे। 302 IPC कम करूँगा।